ये कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए गुंडों के हवाले बिहार को कर दिया गया है। दुकान में घुस के मारना, मतलब यही जनता राज है। और मुख्यमंत्री जिस तरह से धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं और गुंडों के हवाले करके, और इस तरह की घटना को अगर जो नहीं रोका गया तो अब जनता रोड पर उतर करके इस भ्रष्ट शासन में बैठे हुए लोगों को खदेड़ेगा। और ये लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे। इस तरह से गुंडा राज स्थापित करने वाले को सत्ता से बाहर करना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। में हूँ आपके साथ शिवम। राजधानी पटना में दिन दहाड़े करबीगैया इलाके में आज एक किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद जो बिहार की सियासत है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं वही करबीगैया इलाके में, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा पहुँचे हैं और जितने भी उनके परिजन हैं उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। और जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से आज दिन दहाड़े ही राहुल कुमार जो कि किराना व्यवसायी थे, उनकी ही हत्या जो है गोली मारकर अपराधियों ने कर दी, जिसके बाद जो उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद तमाम जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो अब उनके घर पे पहुंच रहे हैं और परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में जब हमने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा से बात की तो उन्होंने इस मुद्दे को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ महागठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पहले आप वो सुने। ये कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए गुंडों के हवाले बिहार को कर दिया गया है। आज यहाँ पर इस तरह से दिन दहाड़े हत्या करना, आज हम आरा से आ रहे हैं, वहाँ भी खुलेआम दुकान में घुस के मारना, मतलब यही जनता राज है। और मुख्यमंत्री जिस तरह से धृतराष्ट्र बन के बैठे हैं और गुंडों के हवाले करके शासन प्रशासन किस तरह से मूक बधिर बना हुआ है, प्रेस मीडिया पर भी अंकुश लगाई जाती है कि न्यूज़ को किसी तरह से दाबा जाए। और इस तरह की घटना को अगर जो नहीं रोका गया तो अब जनता रोड पर उतर करके इस भ्रष्ट शासन में बैठे हुए लोगों को खदेड़ेगा। और ये लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेंगे। इस तरह से गुंडा राज स्थापित करने वाले को सत्ता से बाहर करना होगा। तो आपने साफ तौर पर सुना, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा आज स्थानीय लोगों से मिलने पहुंचे थे करबीगैया, और जो राहुल थे जो किराना व्यवसायी थे उनके परिजनों से भी नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुलाकात की है और उनको यह भरोसा दिलाया है कि आगे से इस तरह की जो घटना है वो यहाँ पर नहीं होगी। पर आपको बता दें कि जिस तरह से दिन दोपहर में ही आज किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद करबीगैया इलाके के जितने भी दुकान हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, और जितने भी स्थानीय लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद तमाम जितने भी पुलिस आलाधिकारी हैं वो मौके पे पहुँचे और वहाँ पर से तीन अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि विजय सिन्हा भी यहाँ पे पहुँचे हैं और उनके साथ तमाम जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम जितने भी उनके परिजन हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बहरहाल, बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।